हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, तो बच्चे का डिमांड हुआ कि मम्मी आइसक्रीम ले आओ। तो मैंने सोचा कि बाहर से क्या मंगाना, घर पे नारियल पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ घर पे। तो हमने दो नारियल लिया था तकरीबन, उसके जो जिसे नारियल लिया था मैंने उसके छिलके मूसी से निकलवा लिए थे, देख पा रहे हैं इस प्रकार। तो चलिए हम इसे छील लेते हैं। तो देखिए आसानी से निकल जाता है, चाहे तो आप पीलर से भी निकाल सकते हैं। छिलका निकल गया है, इजली निकल जाते हैं। इस प्रकार छिलका को हमने हटा लिया है। ये छिलका वेस्ट ना करें, इसे चटनी में इस्तेमाल कर लीजिएगा आप। इस प्रकार अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसमें अगर पानी निकलेगा गाइस, ये पानी को फेंकना नहीं है। इसी पानी के सहारे देखिए, आपको चाहे तो पी लीजिए, चाहे तो इसको इसी में डाल के पीस लेते हैं। चलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं ताकि आसानी से ये पीसने में। हम एक नारियल से बना रहे हैं आइसक्रीम, या आधे को हमने टुकड़े में काट लिया और आधे जो बचे हैं ग्रेट कर लेते हैं इसको। इससे हमको जल्दी आसानी से पीसने में मदद मिलेगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार हमने घिस लिया है, इसको ग्रेट कर लिया। अब इसके बाद में बताऊंगी कि इसका उपयोग हम किस चीज़ में लाएंगे। अभी फिलहाल इसे भी, अब हम उसके आइसक्रीम बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है मलाई के साथ। अगर आपके पास ज़्यादा मलाई है तो और बेटर है। ये देखिए, और ये चीनी, और चीनी लिए हैं और कुछ इलायची के दाने उसमें पीसते वक्त डाल दूंगी। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो इसे हटा सकते हैं। ये हमारा कुछ अमूल पाउडर, जो मिल्क पाउडर आती है ना एवरीडे का, हमने 2-3 चम्मच वही ले लिया है। और कुछ नहीं चाहिए आइसक्रीम का। और एक एक मोल्ड, आपके पास मोल्ड अगर नहीं है तो उसको घुमाने की कोई बात नहीं। आपके घर में इस तरह का छोटी सी ग्लास होगी कोई भी, उसमें भी आप आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। हमने कुछ मिक्सी का जार लिया है, उसको उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो पानी है उसको डाल देना। उसके बाद जितना आवश्यकता अनुसार इसमें दूध लगे उतना ही पीसते हैं। इतना डालना है कि इसका पेस्ट जो है गाढ़ी होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं। चलिए पीस के बताते हैं आपको। ये देखिए कुछ हम इस तरह पीस लिए हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितनी बारीक है। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बॉल में। मैंने कुछ इलायची और चीनी के साथ उसको भी पीस लिए। आपको डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खा सकते हैं। अगर लग रहा है कि जिसको शुगर है वो नहीं भी डाल सकते हैं। और ये हमने मिल्क पाउडर ये सारा डालना होगा। हमने कुछ मलाई भी डाला है। बस इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा जो पेस्ट है गाढ़ी है काफ़ी, तब आप इसे और इसमें दूध मिला सकते हैं। जितना दूध लगे उतना डाल सकते हैं। मेरा टेक्सचर सही है, अब हम इसे दूध नहीं डालेंगे। तो चलिए हम इसे फेंट लें। गाइस देखा आपने, एक नारियल में कितना पेस्ट होके तैयार हो गया। अब इसको हमने आपको बताया था, इसे ग्रेट किए हैं हम, इसको इसमें हमने डाल दिया। वो इसलिए डाल देते हैं अच्छा लगेगा इसके, जब ये आइसक्रीम खाएंगे ना इसमें मुंह में आएगा टुकड़ा नारियल का, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए हम इसे मोल्ड में डाल देते हैं।
अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, मैंने बताया था पहले, आपको छोटा सा ग्लास हो तो उसमें डाल दीजिए, इसे आप आसानी से, ताकि बाहर ना गिरे। अब हमने इस तरह डाल लिया है, अब लेंगे छोटा सा फॉइल, इसको कट कर लेंगे। हमने इस तरह इसको काट लिया है फॉइल पेपर को, अब इसमें इसको चारों तरफ से हम कवर कर देंगे। ढक्कन चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ढक्कन में आप आइसक्रीम के स्टिक नहीं डाल पाएंगे। अब आपको कहीं से भी थोड़ा सा सुराख कर देना है, कट लगा देना है एक आइडिया से, बस इसको डाल देना है। हमारे पास कुछ बड़ा है स्टिक, छोटा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, छोटे भी आते हैं वैसे। ये देखिए गाइस, आप इसे 5-6 घंटा के लिए फ्रीजर में डाल दें। अगर आपका फ्रिज नया है तो 5 घंटे में भी हो जाएगी, और अगर आपको पुराना है तो 6 घंटा 7 घंटा भी लग सकता है। तो इसको फ्रिज में जमाइए। चलिए हम जमाने के लिए दे देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, निकाल निकाल के इस प्लेट में रखते जाएंगे। इसको सबसे पहले फॉइल भी हटा लेते हैं। देखिए निकालने का तरीका, अगर आपकी आइसक्रीम नहीं निकले ना, हमने कुछ टैप वाटर लिए हैं, नॉर्मल जो नल के पानी होते हैं उसको हम किसी पॉट में डाल दिए, उसके बाद इस मोल्ड को डाल दिए हैं। अब इसे आसानी से हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा निकल रहा है। देते हैं पानी, गर्मी है गाइस काफी, इसलिए जल्दी मेल्ट हो रहा है। ये देखिए अब स्टील की ग्लास में जो हमने डाला था, ये देखिए कितना बड़ा आइसक्रीम है गाइस, देख पा रहे हैं। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह एक नारियल से हम कितना आइसक्रीम बना चुके हैं, और मार्केट में एक आइसक्रीम की कॉस्ट एक नारियल के बराबर होती है। मजे की बात यह है कि हमने एक खा के देखा, हमने जो इसमें ग्रेट करके डाला था ना, वो खाते वक्त इसके चंक्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी बनाइए और पूरी फैमिली के साथ इस भयंकर गर्मी में ठंडे ठंडे आइसक्रीम का आनंद लीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।